हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक या डिसलाइक के माध्यम से इस वीडियो पे हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो चलिए आगे चलते हैं। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बता दो कि हमने क्लास 6 से क्लास 12 की एनसीईआरटी कवर करने की यहाँ बात की है। हमने क्लास 6 से शुरुआत भी कर दी है, ठीक है। क्लास 6 का फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी कवर हो चुका है और क्लास 6 का जो सेकंड यूनिट है गवर्नमेंट, इसका भी एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से हमने अब तक तीन चैप्टर देखे हैं। अगर आपने तीनों चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, इन्हें देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट अलग से अवेलेबल है इसके लिए। अब हम यहाँ बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट। देखिए दोस्तों, जो जनता होती है ये डेमोक्रेसी में डिसीजन लेती है, ठीक है। वोटिंग के माध्यम से, मतलब इलेक्शंस के माध्यम से, वोटिंग के जरिए ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है। ये रिप्रेजेंटेटिव्स जनता के लिए बिहाफ में काम करते हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव्स की आवाज़, इनका इंटरेस्ट जनता की आवाज़ और जनता का इंटरेस्ट है, ऐसा समझा जाता है। देखिए दोस्तों, जो गवर्नमेंट होती है, इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है, इसका फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है। हमारे यहाँ ये जनरली 5 साल रखा गया है। एक बार जब गवर्नमेंट चुन के आ जाती है, मतलब इलेक्ट होके आती है, तो वो उस फिक्स्ड पीरियड के लिए वहाँ पे रहती है। जैसे कि यहाँ हमने 5 साल की बात की, ठीक है। अगर उसी गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना है तो उसे फिर से इलेक्ट होके आना होगा, मतलब फिर से उसे इलेक्शन में जाना होगा, उसे इलेक्शन का सामना करना होगा, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों, जो जनता होती है इनके पास डेमोक्रेसी में पावर होती है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो गवर्नमेंट की पावर होती है, मतलब गवर्नमेंट को हम लिमिट कर सकते हैं, पर्टिकुलर गवर्नमेंट को, क्योंकि रेगुलर इलेक्शन होते हैं और रेगुलर इलेक्शन के कारण कोई एक गवर्नमेंट हमेशा सत्ता पे नहीं रहती। समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया था दोस्तों हमने की पार्टिसिपेशन की बात इलेक्शंस के ज़रिए, पर उसके अलावा भी दूसरे रास्ते हैं जिसके ज़रिए हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इलेक्शन तो हर 5 साल में एक बार होते हैं, ठीक है। और तो दोस्तों, अगर हम वोटिंग को छोड़ दें तो वोटिंग के अलावा अगर हम दूसरे रास्ते देखें जिसके ज़रिए हम गवर्नमेंट के कामकाज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, तो दोस्तों हमें काफ़ी दूसरे रास्ते भी अवेलेबल है, ठीक है। हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है और हमें पसंद नहीं आता है, ठीक है। और दोस्तों, धरनास, रैलीस, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन, ठीक है, इनके ज़रिए भी हम अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, जो कि अनजस्ट है और अनफेयर है। ऐसी चीज़ों के खिलाफ भी हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी शोज़, ठीक है, जिसमें अलग अलग डिबेट्स होती है, अलग अलग मुद्दों पर डिस्कशन किया जाता है, अलग अलग इश्यूज़ पे, ठीक है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ पे, गवर्नमेंट के फंक्शंस पे, ओके, जिसके ज़रिए हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। देखिए दोस्तों, ये बात सच है कि डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं इन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। पर दोस्तों देखिए, ये बात भी सच है कि हर कोई जो सिटीज़न होता है ये एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, या कुछ लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। वो सिर्फ 5 साल में से एक बार अपना वोट डाल देते हैं और बस उतना ही करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखिए, अगर हम दूसरे रास्तों की बात करें तो देखिए, ऑर्गेनाइज, मतलब जो सोशल मूवमेंट होती है, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसके अलावा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है, हमारे दलित्स, हमारे आदिवासी, ओके, महिलाएं, तो दोस्तों देखिए, इनके भी अलग अलग संगठन होते हैं, इनके भी अलग अलग ग्रुप होते हैं जो अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट की, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है और क्या कैसी ज़रूरत होती है इन्हें रिजॉल्व करने की। देखिए दोस्तों, हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था डाइवर्सिटी, उसमें हमने समझने का प्रयास किया था कि हमारे देश में किस तरीके से डाइवर्सिटी है, ओके। सेकेंड चैप्टर में हमने बात की थी डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, किस तरीके से ये जो डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी से डिस्क्रिमिनेशन भी क्रिएट किया जा सकता है, ओके।
तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई है। जब अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रीजन रिलीजन के, अलग अलग रीजन से आने वाले, जिनका डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, ऐसे लोग जब एक जगह होते हैं तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। अब बहुत से लोगों का ऐसा बिलीव होता है दोस्तों कि प्रॉब्लम्स को सुलझाने का एक ही हल है, वो है वायलेंस। वायलेंस करके, हिंसा करके किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, पर ऐसा तो नहीं है। आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है। वायलेंस के ज़रिए हम डिफरेंसेस को सॉल्व नहीं कर सकते, ये आपको पता है। अगर दोस्तों वायलेंस के ज़रिए डिफरेंसेस को सॉल्व करने की शुरुआत की जाए या ऐसा होने लगे, तो सोसाइटी में एक फियर, टेंशन क्रिएट होता है। ठीक है, जिस एरिया में पर्टिकुलर इशू हो रहा है उस एरिया में, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों कि वो इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे। ठीक है, अगर कुछ रिलीजियस प्रोसेशंस, सेलिब्रेशन जब होते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, कभी कभी झगड़े देखने को मिलते हैं, अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारी नदियाँ हैं, ये तो इन्हें तो सोर्स कहा गया है कॉन्फ्लिक्ट का, दो राज्यों के बीच में, दो देशों के बीच में। ओके, एग्जाम्पल देते हैं कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में की ये कहानी है। देखिए, कृष्णा सागर डैम है कर्नाटका में और मेट्टूर डैम है तमिलनाडु में। अब डैम है ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉब्लम ये है कि दोनों डैम एक ही नदी पर है। जब एक डैम से पानी छोड़ा जाता है दोस्तों, तो ये दूसरे डैम में जाके, मतलब दूसरे डैम को पानी मिलता है। और दोनों डैम का पानी बहुत ज़रूरी है दोनों स्टेट के लिए, बिकॉज एग्रीकल्चर के लिए। ओके, सो फार्मर के वेलफेयर के लिए, खेती के लिए। तो इस वजह से ये डिस्प्यूट बहुत दिनों से चल रहा है और अभी भी ये सॉल्व शायद कितना हुआ है ये नहीं कह सकते। ठीक है, अब हम बात करेंगे इक्वालिटी और जस्टिस की, समानता और न्याय की। ठीक है, देखिए डेमोक्रेटी का एक की आइडिया इसे कहा जाएगा, समानता और न्याय। ठीक है, इक्वालिटी और जस्टिस एक दूसरे से इनसेपरेबल है, इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ की पॉइंट्स, मतलब वो पॉइंट्स जो अब तक हमने इस चैप्टर में देखे। ठीक है, जैसे कि हमने शुरुआत में देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किस तरीके से पीपल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जरिए हैं पार्टिसिपेट करने के, अलग अलग माध्यम हैं जिसके ज़रिए हम सहभाग अपना कर सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। ठीक है, गवर्नमेंट के वर्किंग में। इसके अलावा हमने देखे कि इलेक्शंस को छोड़ दिया जाए, जो कि 5 साल में एक बार होते हैं। इसके अलावा दूसरे माध्यम है रैलीज, सिग्नेचर कैंपेन, ठीक है, सोशल मूवमेंट्स, धरना, स्ट्राइक्स एक्सेट्रा। उसके बाद हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, किस तरीके से उन्हें रिजॉल्व किए जा सकते हैं, क्या इसके रीज़न है, जब डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के, ठीक है, लोग एक जगह होते हैं, एक जगह रहते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है जिससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। उसके बाद हमने देखा दोस्तों कि देखिए हर सिटीज़न समान है। आखिरी पॉइंट हमने क्या देखा था, इक्वालिटी और जस्टिस, तो उसकी यहाँ बात की गई है, आप पढ़ सकते हो इसे। ऑलरेडी जो हमने स्लाइड्स में बात की वही यहाँ पे रिपीट किया गया है आखिरी में। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे बुक से, तो शुरुआत में साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल देते हैं, कुछ बातें बताते हैं, वो मैंने आखिरी में इंक्लूड कर दी है, वो इतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपके लिए यहाँ पे लिख दी गई है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका में किस समय किस तरीके से उन लोगों ने संघर्ष किया और फिर उन्हें आज़ादी मिलती है 1994 में। ओके, तो ये कुछ बातें थी इसमें। ठीक है, अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे देखने के लिए धन्यवाद। लाइक या डिसलाइक के माध्यम से मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, आप कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, मतलब इससे मुझे ये समझने में आसानी होगी कि लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये हमें बहुत जल्दी से जल्दी पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी कवर करना है, और कितना अच्छा आप रिस्पॉन्स देंगे ये सब आप पे डिपेंड करेगा। ओके, तो अब तक हमारे 2 यूनिट कवर हो चुके हैं, मतलब 4 चैप्टर हमने कर लिए हैं, 2 यूनिट बाकी है, ये 2 यूनिट भी मैं जल्दी कर दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप मुझे कमेंट कर, मतलब लाइक या डिसलाइक के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद।